खुशी मन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण दैत्य बालक प्रहलाद जी के संग नारायण के नाम का गान कर रहे थे। शंडामर्क ऋषियों के पास जैसे ही आवाज पहुंची, उन्होंने कहा कि अपने सैनिकों को भेजो और जाकर के ये स्वर बंद कराओ। यदि हिरण्यकश्यप को पता चल गया कि इस गुरुकुल में नारायण का नाम गाया जा रहा है तो वो हमें छोड़ेगा नहीं। और जैसे ही सैनिकों को भेजा, सैनिक आए, आकर के प्रहलाद जी का स्पर्श किया तो महाराज प्रहलाद जी का स्पर्श करते ही वो सैनिक भी नारायण के नाम को गाने लगे। खुशी मन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बड़े ही आनंद से नारायण के नाम का कीर्तन चल रहा था। इतने में शंडामर्क ऋषियों ने देखा कि सैनिकों को भेजा था लेकिन अभी तक स्वर बंद नहीं हुआ। शंडामर्क ऋषियों ने अपने दो शिष्यों को भेजा। जैसे ही दोनों शिष्यों ने जाकर के प्रहलाद जी को स्पर्श किया कि वो भी नारायण का नाम गाने लगे। और महाराज शंडामर्क ऋषियों ने सोचा कि अभी तक स्वर बंद नहीं हो पाया है, लगता है हमें स्वयं ही जाना होगा। जैसे ही दोनों ऋषि आए, आकर के दोनों ने एक एक ओर से प्रहलाद जी को पकड़ा और जैसे ही उनका स्पर्श किया कि सभी मिलकर के बड़े ही आनंद से नारायण के नाम को गा रहे। तो आइए उठाइए पूरे पूरे हाथ। खुशी मन नारायण 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 खुशी मन
अर्जुन नारायण।